चंडीगढ़ आउटस्कर्ट स्पेशल में आप सबका स्वागत है। चंडीगढ़ का दर्शन तो हमने कर ही लिया, लेकिन सिटी चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसमें कितने ही प्लस जॉइंट्स क्यों ना हो, सिटी आखिर सिटी ही है। हम चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में हैं, जहां सरसों के खेतों की खुशबू, सांझा चूल्हा का सौंधा धुआं हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मिस इन द सिटीज, बिकॉज हाउएवर मच वी मे ट्राई, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट दिस अर्थी फ्लेवर इन आवर माइक्रोवेव ओवन। अपने देश में न जाने कितने ऐसे शहर हैं जिनका नामकरण देवी देवताओं के नामों पर हुआ है। इनमें से एक जगह ऐसी है जिसमें हजारों साल पहले चंडी का निवास था। आज से 40 साल पहले जवाहरलाल नेहरू और पंजाब के गवर्नर सीपीएन सिन्हा ने यहाँ के प्राचीन चंडी मंदिर से प्रभावित होकर इस जगह को चंडी का गढ़ यानी चंडीगढ़ घोषित किया। तब से आज तक इस जगह में बहुत से परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड सिटी और आलीशान इमारतों की जगह जानी जाती है। अगर यहाँ की ट्रेडिशनल लाइफ का आनंद उठाना हो तो आप आसपास बसे गांव जैसे सकेथड़ी, नाडा साहिब, नाभा गांव, खजेड़ी इत्यादि जा सकते हैं। हर गांव या कस्बे की जीवन शैली तकरीबन एक जैसी ही है। सरसों के लहराते पीले पीले पौधे, खेतों में चलते हुए हल और ट्रैक्टर्स एक आम दृश्य है। सकेथड़ी गांव के सकेथड़ी शिव और देवी मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। इसके बारे में लोगों का कहना है कि द्वापर युग में पास ही खड़े सिकंद पर्वत से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। 1970 में उसी पर सकेथड़ी मंदिर का निर्माण हुआ। उस पर्वत के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। साथ ही ये भी प्रचलित है कि शिवरात्रि के दिन मूल शिवलिंग पर चढ़ावे के दूध को पीने के लिए नागदेव खुद पधारते हैं। यहाँ के लोगों की श्रद्धा दर्शाती है यहाँ की मान्यता को। अगर चंडीगढ़ के मंदिरों की बात हो रही हो तो मनसा देवी मंदिर को कैसे भुलाया जा सकता है। ये एक अत्यंत पवित्र स्थल है जो कि शिव के शक्ति पीठों में से एक है। लेजेंड के अनुसार मनसा शिव की पुत्री थी और सांपों की माता। यहाँ साल भर भक्तों की ऐसी भीड़ लगी रहती है कि इन सब को अकोमोडेट करने के लिए एक आईएएस ऑफिसर को डिप्यूट किया गया है। मंदिर के प्रांगण में ही आपको उपयुक्त चढ़ावे, प्रसाद और सिंदूर का पूरा पूरा इंतजाम मिलेगा। इसके सुंदर बगीचे लोगों के लिए एक अच्छे पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है, जहां लोग थोड़ी देर के लिए अपनी पूरी थकान भुला सकते हैं। साथ ही पटियाला वाला मंदिर भी महत्वपूर्ण है। इसे 250 साल पहले राजा भूपेंद्र सिंह ने अपनी एक मन्नत पूरी होने के बाद बनवाया था। चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों के ये मंदिर एक और बात के लिए विशेष है, लंगर, जो भोजन करने की एक ऐसी प्रथा है जो हमें पंजाब, हरियाणा या फिर चंडीगढ़ में जरूर देखनी चाहिए। ये एक ऐसा कम्युनिटी किचन है जो गुरुद्वारे के भंडारा कमिटीज चलाते हैं।
यानी कि लोग यहाँ ईश्वर के घर में बने दाल चावल रोटी सब्जी खाने आते हैं। मनसा और पटियाला वाला मंदिर में लंगर 2400 घंटे के लिए लगा रहता है। एक साथ लोग भोजन बनाते हैं और बच्चे बूढ़े जवान एक परिवार के सदस्यों की तरह मिलजुल कर खाते हैं। तीज त्योहार में तो लंगर और कड़ा प्रसाद खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लंगर के प्रसाद का कोई रंग नहीं होता। गरीब अमीर छोटे बड़े सभी इस विशेष प्रकार के खाने से आत्मिक तुष्टि प्राप्त करते हैं। चंडीगढ़ के रेस्टोरेंट्स में तो आपको पंजाबी खाने का स्वाद मिलता ही है, लेकिन रास्ते में जो अनगिनत ढाबे आते हैं वहाँ पे भी आपको इस खाने का जायका मिलेगा। पंजाबी खाने की जितनी जानकारी आपको चंडीगढ़ के आसपास मिलेगी उतनी शायद कहीं और नहीं मिल सकती। उदाहरण स्वरूप, हमें ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि ढाबे इतने पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ढाबे की खासियत है उनके टिपिकल पंजाबी जायके, जैसे कि स्वादिष्ट तंदूरी रोटी, दाल मखनी, चिकन, भरता एक्सेट्रा। इनकी स्ट्रॉन्ग पंजाबी फ्लेवर ही ढाबे को एक अलग पहचान देता है। शुरुआत तो ढाबों की ट्रक ड्राइवर्स की डे नाइट स्केड्यूल की वजह से हुई थी, पर अब तो पॉश एंड ट्रेंडी गाड़ियों की कतार लगी रहती है। ढाबा कल्चर आज सोसाइटी के सभी क्लासेस में प्रेविलेंट है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में अवेलेबल स्टफ्ड कुलचा, फ्राइड चावल विद छोले और तला हुआ फूड यानी कि तरह तरह की पकौड़ियाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ की मिठाइयाँ जैसे जलेबी, बदाना, पिन्नी, मैं इसके बारे में जितना मर्जी कहूँ कम होगा। गाँव में दो ट्रेंड्स चले आ रहे हैं। एक तरफ लोग अभी तक मिट्टी के चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ गैस के चूल्हे उन्हें ज्यादा यूटिलिटेरियन लगते हैं। तरीका जो भी हो, गांव की साफ हवा, कच्चे पक्के मकान, भैंसों के तबेले और संयुक्त परिवार का माहौल यहाँ के भोजन को एक नया ही रंग देता है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जो घिरी हुई है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। पिंजौर के मुगल गार्डन्स और मानसा देवी के लंगर को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वैसे तो पिंजौर की हिस्ट्री काफी पुरानी है। पांडव ने इसे वनवास के दौरान खोजा था, लेकिन औरंगजेब के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट एंड मुगल आर्किटेक्ट फिदाई खान ने इसे इसका ये रूप दिया। खाने के विषय से थोड़ा हटकर अब हम चंडीगढ़ के कुछ मीनिंगफुल और टूरिस्टिक जगहों को देखेंगे। चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर पर है पिंजौर के मुगल गार्डन्स। ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। इसका इतिहास महाभारत युग तक ट्रेस किया जा सकता है। पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा करने से पहले यहाँ बार बार आए थे, लेकिन प्रेजेंट की ये कंस्ट्रक्शन औरंगजेब के फॉस्टर सन और चीफ आर्किटेक्ट फिदाई खान की देन है। हवा में झूलते पाम ट्रीज, क्रीम एंड रेड गगन चुंबी द्वार, करीने से सजे बगीचे लोगों को यहाँ पिकनिक मनाने के लिए उत्साहित करते हैं। गुरुद्वारे यहाँ के निवासियों के लिए एक सेक्रेट जगह है। लोगर साहिब और नाभा साहिब गुरुद्वारे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं। चंडीगढ़ शहर या फिर उसके आसपास बसे गांव कस्बे एक विजिटर को संपूर्ण सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जिसका रूरल एंड रीजनल टच आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगा। कई प्रकार के होते हैं और यहाँ पे लस्सी और छाछ का भी प्रचलन है। गांव के लोग लेकिन प्योर दूध की ही चाय मेहमानों को पिलाते हैं और दूध इनकी डाइट में एक अहम हिस्सा रखता है। आज हमारे रेसिपी सेक्शन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं केसरी खीर, जो समय के साथ सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाई तो जाती है, लेकिन स्वाद वही पुराना गांव वाला है। शेफ, ये जो केसरी खीर बेसिकली आप सिखा रहे हैं बनाने, ये कौन से गांव से आपकी रेसिपी, ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये है, पंजाबी जो लोग हैं
ये सबसे ज्यादा लाइक करते हैं मोस्टली। तुम्हें बट कुछ पता है कि कौन से गांव से ये आती है बेसिकली डिश? ये बेसिकली डिश पंजाब के गांव से आती है। अच्छा तो हम इसको जो ये दिखाने जा रहे हैं मोस्टली ये गांव के लोग लाइक करते हैं और ये पुराना आइटम है, हर एक पीपल लाइक करते हैं इसको। ठीक है तो हमारा एक लीटर हमने दूध डाल दिया। अब ये इसको बॉयल करने के बाद हम इसमें राइस डालेंगे। अच्छा ये अभी प्री बॉइल्ड नहीं है? नहीं है। ठीक है इसको फिर पहले बॉइल करेंगे। पहले बॉइल्ड करेंगे एंड उसी गर्म दूध में हम चावल डाल देंगे। हाँ जी उसी गर्म दूध में हम राइस डालेंगे। फिर जब ये बॉइल्ड होगा तो फिर हम जैसे लिक्विड टाइप का हो जाएगा तो हम केसर डालेंगे, ये काजू मिल्क कंडेंस मिल्क डालेंगे। ठीक केसर क्या? केसर है सर। ठीक है दूध उबालेंगे उसके बाद जो पहला आइटम आप डालेंगे चावल होगा कि कंडेंस मिल्क? नहीं पहले राइस होगा। पहले राइस फिर राइस को उबालेंगे। राइस को उबालने के बाद जब ये ठीक हो जाएगा फिर इसमें केसर होगा। केसर होने के बाद थोड़ा सा 1 पिंच इलायची पाउडर होगा। फिर उसके बाद कंडेंस मिल्क होगा। ठीक है मुझे एक बात बताइए क्या डाल सकते हैं उसके बजाय? कुछ और भी चलता है इसके बजाय चावल? ये एक केसर खीर की जगह एक केसर फिरनी भी है, वो राइस पीस के भी बनाया जाता है। अगर राइस को पीस दिया जाए फिर दूध में डालेंगे तो फिरनी हो जाता है? फिरनी हो जाता है। देखिए जो ये दूध बॉइल्ड हो गया है इसमें हम राइस डालेंगे 3 टेबल स्पून जो होगा 15 ग्राम्स हो गए। टी स्पून। ओके तो दूध उबालने के बाद या दूध के उबलने के बाद आप 15 ग्राम यानी 3 टीस्पून राइस डाल के उसको पकाएंगे? यस उसको। तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी देर लगेगी राइस को पकने? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तो हाफ एन आवर का कुकिंग टाइम है राइस डालने के बाद। हाफ एन आवर कुकिंग टाइम होगा राइस के लिए। अच्छा शेफ अब हमारा चावल उबल चुका है हमारे चावल, अब पहला इंग्रेडिएंट क्या डालेंगे हम? हम इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छा कितना डालेंगे? ये 1 पिंच डालेंगे। 1 पिंच चावल उबलने के बाद फर्स्ट थिंग जो आप डालेंगे वो है इलायची पाउडर। 1 पिंच ओके। उसके बाद हम डालेंगे केसर। एक पिंच इलायची का आपने डाल दिया, इलायची पाउडर एक्चुअली एंड एक पिंच केसर। उसके बाद डालेंगे हम कैसोनट। कितना? 15 ग्राम। 15 ग्राम 3 टीस्पून आपने काजू डाल दिया। उसके बाद डालेंगे हम किशमिश 3 टीस्पून। 3 टीस्पून 15 ग्राम किशमिश डाल दिया। सेम प्रोपोर्शन जितना काजू डाला है उतना ही आप किशमिश डालेंगे। उसके बाद डालेंगे आलमंड। Okay. आपने चावल के पकने के बाद डाला इलायची पाउडर, फिर आपने डाला केसर, उसके बाद आपने डाला काजू एंड देन किशमिश एंड देन उसके बाद आमंड जो कि बादाम है। ओके और उसके बाद लास्ट इसको थोड़ी देर पकने देंगे हम? यस जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद कंडेंस मिल्क डालेंगे। इसके ठीक होने के बाद यस 1 kg दूध के लिए 1 लीटर मिल्क के लिए इवेंचुअली आप 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो शेफ अभी जो हमारी खीर जो है थिक है रेडी? ओके इसको फिर गार्निशिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? पिस्ता आलमंड। ठीक है होल आलमंड्स? यस होल आलमंड यूज करेंगे। साबुत बादाम? साबुत बादाम। वो निकालिए ताकि मैं इसको टेस्ट करूं। यस देखिए आई नो व्हाट यू थिंकिंग बट दिस इज ऑल माइन। मैं अपनी खीर खा सकती हूँ? यस खा सकते। थैंक यू सो मच।
I'm going to tell you कि मेरी opinion केसर खीर के बारे में क्या है, but watch the recap first. I'll just try to mean that. केसरी खीर के लिए हमें चाहिए 1 लीटर मिल्क, 3 टीस्पून राइस, a pinch of cardamom, a pinch of केसर, 3 टीस्पून cashew nuts, 3 टीस्पून raisins, 1 टीस्पून बादाम, 1 टीस्पून पिस्ता और 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क के। सबसे पहले आप एक पैन में 1 लीटर दूध बॉयल होने तक गर्म करें। बॉयल होने के बाद उसमें 3 टीस्पून चावल डालें। चावल को 30 मिनट तक पकाएं। पकने के बाद उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, केसर, काजू, किशमिश और बादाम डालें। इसके बाद कंडेंस्ड मिल्क ऐड करें। खीर को गाढ़ा करके इसे चॉप्ड पिस्ता से गार्निश करें और अब आपकी स्वादिष्ट केसरी खीर खाने के लिए तैयार है। हमारे साथ है शेफ सुशील चोग। हाउ डू डू शेफ, वेलकम टू द शो। ये हमें दिखाएंगे कि चने का साग कैसे बनाया जाता है, फ्रॉम बेस टू द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो शेफ बताइए पहले क्या करेंगे। पहले हम ये चने के साग को लेंगे और फिर बथुआ के लीव्स को लेंगे, उनको चॉप करेंगे। ठीक है। चॉप करने के बाद में बॉइल करेंगे। जब तक ये बॉइल हो रहा है इतने तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तड़का प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ जी। इसमें हम देसी घी डालेंगे। कितना डालेंगे? 1 टेबलस्पून। हाँ जी। तो आधा किलो साग के तड़के के लिए 1 टेबलस्पून घी डालिए। एंड इसमें कितना प्याज था? इसमें 1 टेबलस्पून डाला है। और अब इसके अंदर चॉप जिंजर डालेंगे। 1 टीस्पून। थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही है। तो तड़के के लिए और इसमें गार्लिक डालेंगे हाफ टी स्पून। तो गार्लिक का प्रपोर्शन कम रखना, अदरक ज़्यादा रखेंगे अच्छी क्वांटिटी में। और अब इसमें हम चॉप टमाटो डालेंगे। हमने फटाफट डाल दिए थे प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके, क्योंकि हमारा पैन गरम था ना, तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगा है आई सी ऑनियंस को पिंक ब्राउन कलर होने में। और अभी इसको कितनी देर तक पकने देना है? ऑनियन और टमाटो जो है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए और अदरक और लहसुन जो है अच्छी तरह से भून जाए, तो सब कुछ ब्लेंड हो जाए, टमाटर थोड़ा अपना रस छोड़ दे, बिल्कुल सब कुछ असिमिलेट हो जाए, तब तक आप इसको पक। अब ये साग जो है बॉइल हो गया, तो अब हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। अब इसको ब्लेंड करना है, इसको चॉप करना है। अब ये हमारा साग जो है वो चॉप हो गया, चॉप हो गया। इसके अंदर हम ग्रीन चिली डालेंगे। ओके। अब ग्रीन चिली टमाटर और तड़के के अंदर नहीं डालेंगे? नहीं नहीं डालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से फाइनली चॉप्ड हो। इसमें भी इस साग के साथ में ही चॉप कर लेंगे। ओके। अब हम इसको कितनी देर तक और पकाएंगे? अब हम इस साग को भून रहे हैं इसके साथ में। कितनी देर तक शेफ साग को भूनने की ज़रूरत है? 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे उसको। और फिर जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ओके। और फिर इसमें मक्की का या बथुए का आटा थोड़ा सा उसका पेस्ट बना के डाल देंगे, वो बाइंडिंग आएगी इससे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो साग है वो एकदम गठ नहीं होना चाहिए, एकदम सखर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। और अब पेस्ट ऐड करने के बाद हमारा बाजरा तो नीचे रह गया। अब इसको पेस्ट को हम कितनी देर तक इसको कुछ मिनट तक कुक करने की ज़रूरत है कि जो बाजरे का आटा है या मक्की का आटा है वो पक जाए, उसका रॉ टेस्ट ना आए। और अप्रॉक्सीमेटली हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप सब वो बनाओगे उसके बाद, तो तकरीबन कम से कम 5 मिनट तक के लिए कुक करना चाहिए। एंड ये हमारा ब्यूटीफुल एंड एपेटाइजिंग चने का साग तैयार है। टुडे वी आर इन द मिडल ऑफ अ विलेज कॉल्ड नाभा साहब, जहाँ हम आज के दौड़ते भागते समय में कुछ पल रुक के देखेंगे कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है।
पंजाब हरियाणा के गांव में आप जाएं और सांझे चूल्हे की खुशबू आपको आकर्षित ना करे, ऐसा इम्पॉसिबल है। वैसे तो सांझे चूल्हे का प्रोसेस और रेलेवेंस शहर और विदेशी सभ्यता की आबोहवा में खो गया है, लेकिन हमने नाभा साहिब गांव में आपके लिए सांझा चूल्हा खोज ही निकाला। सांझा चूल्हा एक और सामाजिक रूप से सम्मिलित रसोई। यहाँ एक या कई परिवार की औरतें और आजकल लड़के भी मिलजुल कर बड़े प्यार से जतन से खाना बनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध पंजाबी जायका मक्के दी रोटी, सरसों का साग और लस्सी ही हमारा केंद्र बिंदु रहा। पास पड़ोस की औरतें अपना अपना आटा लाती हैं और एक औरत आटा गूंथती है, एक साग काटती है तो एक लस्सी बनाती है। लकड़ी के चूल्हे की धधकती लपटों में सिकती हुई मक्के की रोटी और अपने ही ढंग से पतीले में भुनता हुआ सरसों का साग, ये दृश्य किसी के लिए भी खास है। रोटी और साग को परिवार के सबसे छोटे सदस्य को देने के बाद घर के बड़े खाते हैं। घर की माँ या पत्नी अपने हाथों से मक्के की रोटी, साग और लस्सी परोसती है। विशेष प्रथा भले ही गांव-गांव में आज उतनी प्रचलित नहीं है, पर इसके बावजूद कुछ परिवारों की औरतें सांझे चूल्हे के डाउन टू अर्थ टच को बरकरार रखे हुए हैं। चेहरों में ऐसी सौंधी खुशबू, ऐसा डाउन टू अर्थ जायका कहां नसीब होता है। लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की वजह से गांव में भी ये आम्बियंस खत्म होता चला जा रहा है। ये होप करते हुए कि इस आम्बियंस का कभी एंड नहीं हो, हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का एपिसोड। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर कुछ और जायकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।